श्री प्रभु श्री राम जी का पूरा नाम क्या है? ननिहाल कहाँ है राम भगवान के? जो दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए थे हाँ। वो कौन से ऋषि थे? मंत्रा कौन थी? जो चार भाई में दो भाई ना सेम माँ के पेट से नहीं आए थे, ओकर का नाम से क्या बोलते हैं? चार भाई थे है ना, चार भाई में दो भाई सेम माता जी के थे है ना, तो वो कौन कौन थे? वो भरत और शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न आप? राम लक्ष्मण एक थे और भरत शत्रुघ्न एक। का नाम मतलब भरत और शत्रुघ्न, शत्रुघ्न और शत्रुघ्न और लक्ष्मण सेम भाई के हाँ। सेम माता जी के हाँ, हाँ, सर। अच्छा। चारों भाई बड़े भाई कौन थे? श्री राम? नहीं श्री राम तो नहीं थे। कौन थे? भरत। भरत भरत थे ना। और दूसरे भाई कौन थे? मतलब उससे छोटे हाँ। शत्रुघ्न। चलो वो बता दो, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा बता दो, कौन कौन थे बड़े छोटे छोटे? सबसे छोटे तो लक्ष्मण थे। अबे साले हाँ। उसके बाद ऊपर उनके ऊपर राम जी, क्या बोला तूने? फिर शत्रुघ्न और फिर भरत। लॉक कर दे, कर दो। तो ऐसे में दो ही माँ के हो गए? नहीं, राम जी कौशल्या की थी और थे, और सुमित्रा के लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न सुमित्रा। नहीं लक्ष्मण और क्या नाम है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ना वो लास्ट वाली वाइफ की थे। क्या नाम था? सुमित्रा। प्यारी समझ गई। सुमित्रा जी हाँ। दशरथ के तीन जन पत्नी रही से काते। वो काका नाम भी दई? मैं नहीं जानो ना, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं मत पूछो। ऐसे खा हाँ। अच्छा मैं ऐसे भगवान वाला जानता हूँ, राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीता माँ, पवन पुत्र, हनुमान, विष्णु। अच्छा। भगवान पर जब यज्ञ करी से दशरथ जी है तो कौन से ऋषि द्वारा करेगी इसे? वाल्मीकि। नहीं वरिष्ठ हाँ वशिष्ठ वही मतलब मालूम नहीं। अच्छा ऋषि थे महर्षि ऋषि को? महर्षि तो वो तो पद है, महर्षि का पद है, ऋषि का नाम क्या था? ऋषि का नाम नहीं पता। अच्छा हाँ। तो राजा मैं बाद में तेरे सवाल का गूगल कर लूंगी। तो कौन से ऋषि से करवाया था? ऋषि वाल्मीकि जी? नहीं नहीं वाल्मीकि जी थे नहीं, ऋषि कश्यप थे शायद। नहीं नहीं हनुमान जी जब समुद्र को लांघते हैं तो उनको शक्ति का एहसास किसने दिलाया था? जब वो भूल जाते हैं ना अपना शक्ति, भूल जाते हैं हनुमान जी, उड़ नहीं पाते थे, उनको श्राप था, तो उनको श्रापित से मुक्त कराने के लिए किन्होंने उनको याद दिलाया था? एक थे वहाँ पर टोली में उनसे। नो आइडिया। दशरथ जी की कितनी पत्नियाँ थी? दशरथ जी के वहाँ कौशल्या ही पता है और नहीं पता है मेरे को। नहीं मेरे को नहीं पता। अच्छा श्री रामचंद्र जी का ननिहाल कौन से राज्य में है? ननिहाल नानी का घर कौन सा राज्य में? नेपाल। नेपाल असंभव। नेपाल नेपाल। जो ननिहाल है वो कहाँ है श्री रामचंद्र जी का? चित्रकूट। चित्रकूट हाँ। सच में हाँ। और इधर उधर हो गया तो? नहीं यही सोच लो एक बार और। हाँ चित्रकूट छत्तीसगढ़ी हाँ। श्री रामचंद्र जी के ननिहाल कहाँ, नानी गाँव कहाँ है, कौन से राज्य में हो बता दीजिए? अयोध्या। बंदी बना लो इसे। नहीं राज्य कौन से? छत्तीसगढ़ में ही है। अच्छा हाँ हाँ ना छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है वो नहीं पता। वो जो श्री रामचंद्र जी के जो नानी गाँव वो कहाँ है? चंदपुरी है। बता नहीं पता नहीं। मंत्रा कौन थी? कान भरती थी कि कौन थी? रिलेशन में क्या लगती थी? रिलेशन में नहीं कुछ दासी जैसी थी। हाँ दास टाइप की, दासी टाइप की। अच्छा मंत्रा कौन थी? मंत्रा वो ना मतलब मंत्रा वो कैकई को भड़काने वाली एक डायन थी। कौन थी? नहीं वो कौन थी वो मुझे नहीं पता। अच्छा राम जी ने किनका धनुष तोड़ा था? शिव जी का। तो परशुराम कटार लेके क्यों दौड़ गए थे? थोड़े किनका धनुष तोड़े थे? शिव जी का। शिव जी
जी, तो परशुराम क्यों कटार लेके आ गए थे उनके लिए? क्योंकि जो धनु क्या है, शिव जी उनके गुरु है, और क्या वो शिव धनुष है, और शिव धनुष ऐसा है कि पूरे मतलब विश्व में कोई नहीं तोड़ सकता महादेव के अलावा। अच्छा अच्छा, तो इतने बड़े भक्त है वो, और ऊपर से वो टाइप ऑफ, मेरे हिसाब से, मैं आई एम नॉट श्योर, बस मेरे को इतना पता है कि वो उनको मतलब उनका भी एक वो बोलते हैं ना शस्त्र था। अच्छा हाँ।